मैं महेश भाई छोटू भाई वसावा गुजरात से एमएलए हूं और बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और हम लड़ाई लंबी लड़ेगा। मेरे फादर जो छोटू भाई वसावा जी है वो सालों से लड़ते हैं, 55 साल से आगे, और कंटिन्यू भाजपा कांग्रेस के अलावा इनके दोनों के सामने कंटिन्यू 7 बार एमएलए रहे हैं। और आज की जो हमारी राजस्थान के अंदर जी बीटीपी की मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की, साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हमारे देवेंद्र एक्स एमएलए कटारा जी, साथ में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण परमार जी, साथ में हमारे प्रदेश के कई होद्देदार और कार्यकर्ता और बीटीटीएस के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, इनके साथ पूरे तहसील जिले के अध्यक्ष और पूरी टीम आज यहाँ पे आई उदयपुर के अंदर। और आपने जो प्रश्न किया है कि भारत देश के अंदर हमारी बीटीपी जाएगी, ये समाज की पार्टी है, छोटू भाई की विचारधारा की पार्टी, संविधान की लड़ने वाली पार्टी है, SC ST OBC माइनॉरिटी को लड़ने वाली पार्टी है और हमने आगे लड़ भी चुके हैं, राजस्थान के अंदर लड़े हैं, यहाँ भी हमारा परिणाम आप देखो 2 MLA हम लोकसभा के अंदर भी और तहसील के अंदर बीटीपी लड़ी है, 148 तहसील की सीटें हैं हमारी और 13 हमारी जिला पंचायत की सदस्य हैं। ठीक है, वो लड़ाई हमने लड़ी है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, हर जगह पे हमारी पार्टी अभी जा चुकी है और लड़ भी चुकी है और लड़ेंगे। तो मेरा प्रश्न सर ये है कि देश में जो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जो चल रही है वो आदिवासी हितों की बात करती है, वो सरोकारों को मतलब अपना एक दृष्टिकोण दिखाते हैं कि भाई हम उनके हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन धरातल पर आज भी वो स्थिति नजर आती है, चाहे वो संविधान के लागू होने में हो, चाहे हमारी अनुसूचियां जो लागू होने में हो। आपको क्या लगता है अभी तक कितना कुछ बदलाव आया है, क्या वाकई में आदिवासी समाज को ऊपर उठाया है या आज भी वो वहीं पर है, आपको क्या लगता है? पहली बात तो जी, देश को आजाद हुए 75 साल अभी चल रहा है, बराबर है, तो इसमें कांग्रेस ने भी शासन किया और बीजेपी ने भी शासन किया, तो संवैधानिक जो बात है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जी जिसने सूची बनाई थी इसकी कोई अमल वारे Schedule 5 की, इसके अंदर 244(1) की बात कर रही है और SC ST को रिजर्वेशन दिया है, इस पर कोई अभी अमल वारे हुई नहीं है, तो ये दोनों पार्टियां मतलब गरीबों को जो आप जिनको लीड करना चाहते हैं आगे भी, हाँ इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, हाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो करना चाहते ही नहीं, ऐसा नहीं है कि वो रह गया है, वो करना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, इसलिए वर्ण व्यवस्था से देश चलता है। हम SC ST OBC माइनॉरिटी साथ में लेके चलेंगे और पूरा देश के अंदर जो बहुमती 85% लोग है वो इन 15% के सामने लड़ेंगे। सवाल तो सर ये है कि SC कहो या ST कहो, बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो बड़ी पार्टियां हैं वो वोट बैंक के साथ एक बड़ी राजनीति कर लेती है और एक मतलब ऐसे कैंडिडेट खड़े कर देते हैं मोहरे के तौर पर और वो मतलब बिक जाते हैं, ये जो बिकने की राजनीति है, लोग कई बार बिक जाते हैं, ये कैसे रुकेगी, आपका क्या सोचना है? जब तक गरीबी रहेगी तब तक ये रुकने वाला नहीं, तोड़ टूटने वाला है, क्योंकि गरीबों को ही खरीदा जाता है ना, मैं अंबानी को खरीद सकता हूँ क्या, इनको खरीद सकता हूँ क्या, अडानी को, इसलिए हमारा गरीब लोग जो रखे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी इनको खरीदा जा सके, इसलिए वो कांग्रेस बीजेपी खरीद रही और इसलिए Schedule 5 हो, आदिवासी रिजर्वेशन हो, SC रिजर्वेशन हो और जो OBC की अभी डिमांड हो रही है क्या भी गिनती होनी चाहिए, 27% रिजर्वेशन है लेकिन इसकी भी कोई अमलवारी है नहीं, कोई बजट नहीं है इनके लिए। एक आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर की बीटीपी से लोग क्यों जुड़े, SC ST OBC माइनॉरिटी आप जो कह रहे हैं इनके साथ लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए, आपके पास क्या ऐसा विजन है जो देश में एक नए दृष्टिकोण के साथ आप पार्टी को लीड कर रहे हैं? छोटू भाई तो अभी से नहीं लड़े, SC ST OBC को साथ में लेके वहाँ का सभी का वोट मिलता है हमको और पूरे देश के, आप देखो गुजरात के अंदर हमारे बहुत MLA थे, आगे भी है और अभी भी है, तो हमारा विजन ये है भारतीय ट्राइबल पार्टी, किसी के दिमाग में ये है ये आदिवासियों के लिए यही पार्टी है, अभी तक यही दिमाग में है भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसका चारा खाने के लिए तो भूखते है ना, अपने को जाना पड़ेगा फंसने के लिए भी, तो देश के अंदर ये हो रहा है, ये पूरा मुहिम है देश के अंदर, RSS के लोगों का, भाजपा का,
कि थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए, तीन पार्टियां मतलब जो समाजवादी जो विचारधारा है वो नहीं आनी चाहिए। जैसे आज बंगाल में है, बिहार में है, तीन ताकतें आई हमें मिल चाहिए, ऐसी ORSS की विचारधारा है। तो ये सब पूरा सबको देख के ही चलना पड़ेगा। हर कदम कदम पे खतरा है, हर कदम कदम पे कांटे हैं, इसलिए हम बोलता कि कभी ये लोग अपने समाज को एक नहीं, इसलिए हमारा समाज एक होना चाहिए। आपस में लड़ना, सबको MLA बनना है, सबको मंत्री बनना है, सबको सरपंच बनना है, सबको तहसील जिले का बनना है, लेकिन कैसे इस लालच के अंदर आप देखो, यहाँ तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार बना लेते हैं BTP के सामने। तो इसलिए BTP